Hello students, let us understand the following question. In this question, the question says, if the root of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 are in the ratio m is to n, then according to the option ABCD, हमें pick करना है कि कौन सा option हमारा correct option होगा. Okay, so let us start. First of all, write down the given information. ax square plus bx plus c equal to 0. और रेशियो हमें गिवन है रूट्स का m इज टू n. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन सॉल्यूशन पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेते हैं, लेट द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा. ओके, ये हमने रूट्स मान लिए हैं. सो जैसा कि हमें रेशियो की बने रूट्स का, सो दैट मींस हम कह सकते हैं अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू एम अपॉन एन. और चूंकि ये हमारा क्या रेशियो है, सो हम लेट से कह देते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू एम इंटू के. ओके, एंड बीटा इज इक्वल टू सम एन इंटू के, जहां पे हमारा के जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. ओके, सो ये हमारी क्या एक इक्वेशन जो है, हमारी गिवन इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सो अगर मैं सम ऑफ रूट्स की बात करूं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, सो ये इक्वल होता है किसके, माइनस कैपिटल बी अपॉन ए. ओके, जहां पे कैपिटल बी जो होता है मेरा एक्स एक्स का कोफिशियंट होता है, और जो ए होता है कैपिटल ए वो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होता है. सो यहां पे ये हो जाएगा माइनस स्मॉल बी अपॉन स्मॉल बी अपॉन स्मॉल ए. ओके, एंड अल्फा को हमने क्या कंसीडर किया, एम के. सो एम के प्लस एन के विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. ओके, सो इसको हम लेट से इक्वेशन वन कह देते हैं, इसका आगे हम यूज करेंगे. एंड वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होता है, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है कैपिटल सी अपॉन कैपिटल ए. यहाँ पे कैपिटल सी मेरा होता है कॉन्स्टेंट टर्म, और कैपिटल ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है. सो यहाँ पे स्मॉल सी अपॉन स्मॉल ए हो जाएगा. एंड अल्फा की वैल्यू मेरी क्या है, मैंने माना एम के इनटू बीटा क्या है एन इनटू के विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए. सो यहाँ से एम एन और ये हो जाएगा इनटू के स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन ए. ओके, और देखिए हम यहां से क्या करेंगे, इक्वेशन वन से के की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो देखिए कैसे करेंगे, हम इसको अगर यहां से कॉमन ले लें फ्रॉम वन, के को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, सो यहां मिलेगा एम प्लस एन विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. एंड k इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इंटू एम प्लस एन. ओके, ये मुझे मिल जाएगा. सो इसका मैं यहाँ पे यूज करूंगा, k की जगह यहाँ पे पुट कर दीजिए. सो m इंटू एन दैट इज माइनस बी अपॉन ए एम प्लस एन, और पूरे का स्क्वायर हो जाएगा ये इक्वल टू c अपॉन ए. सो फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो यहां से m इंटू एन ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, अपॉन ए स्क्वायर एम प्लस एन होल स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन ए. सो यहां से a और ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगी. सो
हम यहाँ से फर्दर ले सकते हैं, एम इंटू एन बी स्क्वायर इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ एम प्लस एन होल स्क्वायर की, सो ये मिल जाएगा एम प्लस एन होल स्क्वायर इंटू ए सी। ओके सो ये रिलेशन हमारा निकल के आ रहा है सॉल्व करने के बाद। नाउ ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा जो हमारे आंसर से मैच करता है। ऑप्शन ए बी सी डी में ऑप्शन जो हमारा बी है वो करेक्ट ऑप्शन है जो हमारे आंसर से मैच कर रहा है। सो हेंस वी कैन से दैट, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।